बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बंद कमरे में अचानक गोली चली तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो दो लोग जख्मी पड़े थे। सोनू नाम का एक शख्स अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था और उस पर गोली चला दी, फिर खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका रिश्ते में सोनू की मामी लगती है। घायल महिला के जेठ ने बताया कि उसका छोटा भाई सुजीत कुमार छोटू एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है और उसकी पत्नी रूपा कुमारी लगभग 6 महीने पहले सोनू के साथ प्रेम प्रसंग में भाग गई थी। सोनू ने उसे दरभंगा के जैद नगर लहेरिया सराय स्थित अपने घर में रखा था। 2 महीने पहले वो वापस आए, फिर रूपा कुमारी को समझाया गया और उसके दोनों बच्चों की दुहाई देकर उसे घर वापस बुलाया गया। फिर एक दिन अचानक प्रेमी सोनू बाइक से उसके घर आया। रूपा से उसने पहली मंजिल पर कमरे में लगभग आधे घंटे तक बात की, चाय भी पिया, उसके बाद दरवाजा बंद करके उसने उसे गोली मार दी। फिलहाल आसपास के लोगों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस को सूचना दी। सोनू कुमार को गोली लगी है दाहिने तरफ चेस्ट में और पीछे बाएं तरफ चला गया है और बाएं तरफ फाड़ के निकल गया है। वो बहुत सीरियस है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है और उसका कोई अटेंडेंट नहीं है, दवाई देने वाला उसका नहीं है। हम लोग फर्स्ट एड कर रहे हैं और उसके गार्जियन का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रॉपर दवाई मिले, ब्लड आवे, फिर हम लोग उसका मैनेजमेंट बढ़िया से कर पाएंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला को गोली मारी गई है, स्वयं उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भी अपने आप को गोली मार लिया है। ठीक है, दोनों जख्मी है, दोनों जख्मी हालत में इलाजरत है माजान के हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम लोग देख रेख में हम लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। अभिरक्षा में एक को लिया गया है सर, दोनों का इलाज करवाया जा रहा है। दोनों का मामला बताया जा रहा है, जांच का बिंदु है। जांच लोग घर पे थे नहीं, ब्लॉक पे गए हुए थे, मुसहरी ब्लॉक पे कुछ काम था और जब आ रहे थे रास्ते में तो घर से कॉल आया कि ऐसे ऐसे कोई घुस गया है और अंदर से रूम को बंद किए हुए हैं और अंदर में ही है, जो गेट खोलने से भी कोई खोल नहीं रहा है। इस कारण से हम लोग हड़बड़ी में घर पे आए तो देखे जब गेट को तोड़ा गया दोनों। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ उन्हें गेट खुलने के बाद ही पता चला। खोलने के बाद पता चला। क्या पता चला? केवाड़ी खुलने पड़ा हुआ है दोनों दोनों। आवाज आया था गोली का, गोली का कुछ आवाज नहीं आया। कितने बजे की घटना हुई? लगभग 6:30-7 का। किन किन को गोली लगी है? किन किन को गोली लगी है? दोनों को, एक लड़की का और लड़का जो था, लड़की और लड़का। लड़का वगैरह भी है? लड़की शादीशुदा थी ना? हाँ शादीशुदा है। और अब देखना ये है कि मामला प्रेम प्रसंग का है या फिर आपसी रंजिश का, ये तो पूरी तरीके से जांच के बाद ही पता चलेगा।